अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शौकताज कुकिंग सेंट्रल। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी। गाइस ये बनकर बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में इतनी मजे की, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगती है। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर लबाबदार के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पनीर लिया है। पनीर मैंने यहाँ 400 ग्राम लिया है। इसके कर देंगे क्यूब, आप अपने हिसाब से कीजिए जिस तरह आप बड़े छोटे चाहिए। यहाँ मैं मीडियम साइज के क्यूब कर रही हूँ, क्यूब मैंने कर दिए हैं। इतना मैं पनीर का टुकड़ा साइड में रख देती हूँ, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। यहाँ मैंने 2 रफली प्याज ले ली हूँ चॉप करके, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी साइज के टोमेटो, 10 से 12 मैं काजू ले रही हूँ, 3 से 4 हरी मिर्च। इन सारी चीजों को नरम होने तक फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, नरम भी हो चुकी है। इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर और हम इसकी हमने एकदम फाइन एकदम पेस्ट बना लेनी है। हमारे मसाले जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम पनीर फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ 1 टीस्पून ऑयल और 1 चम्मच बटर दिया है, साथ ही इसमें मैंने डाल दी हूँ 2 से 3 कट लगा के हरी मिर्च। इसमें हम डाल देंगे अपने सारे क्यूब। अच्छे से गोल्डन स्पॉट आने तक हमने इसे फ्राई करना है। हमने पनीर को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, ये हार्ड हो जाएंगे। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे यहाँ लाल मिर्च का पाउडर। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि अब आपकी जो मसाले हैं वो जले नहीं, बस हमने इसे कोट करना हमारा मकसद है। बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हमें एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच पनीर। यहाँ डाल देंगे 1 सिनेमन का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कटी हुई प्याज। प्याज पूरी हमने पिंक फ्राई करनी है एकदम अच्छे से। अगर आप चाहे तो पूरा ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर डालते हो तो बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर का यूज किया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम फाइन चॉप किया हुआ 1 टोमेटो। प्याज भी हमारी अच्छी से लाइट गोल्डन हो चुकी है, टोमेटो भी अच्छे पक चुके हैं। अभी इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अभी इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसके जो रॉ फ्लेवर है अच्छे से खत्म हो जाए। 1 मिनट हो चुके हैं उसे भूनते हुए। अभी इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच यहाँ मैंने तीखी वाली और कलर वाली मिर्ची ली हूँ और यहाँ 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर ली हूँ। सारे मसालों के स्वीज इसी में ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसी में ऐड करेंगे 1 बड़ी शिमला मिर्च, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस होगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम अपने प्यूरी, अभी इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। यहाँ मैंने मिक्सी जार को शेक करके डाला है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 7 से 8 मिनट इसे पकने देंगे मीडियम आंच पर। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हमने जो पनीर बचा लिया था, ग्रेट कर लिया है इसे। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखना है, फ्लेम को मीडियम में रखना है, वरना हमने जो मलाई वगैरह डाली है उससे अपने को अपना ऑयल छोड़ देगी और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम अपना फ्राई किया हुआ पनीर। अभी इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसी के ऊपर डाल देंगे फ्रेश कोथमीर। लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार। बस अभी इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि इसमें जो भी ऑयल है अच्छे से रिलीज हो जाए। फ्लेम के बाद मैंने इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया था। ये जितना दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है उतना खाने में मजे का बना है गाइस, तो जरूर आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए। अब किसी को भी पनीर लबाबदार खाने के लिए
रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, इतना मजे का घर में बनकर तैयार हो जाता है और एकदम आसान रेसिपी है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन पनीर लबाबदार बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर जो हमने बचा लिया था, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश कोथमीर। माशाल्लाह हमारी डिश बहुत ही माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। प्लीज़ मैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने गाँव में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।